ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये देश तपस्वियों का देश है। जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है? हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है? क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। सात्विक अर्थ ये है कि जब तक ये पुजारी नहीं होगा तब तक कोई संत नहीं होता। वो उनको ज्ञान नहीं है, धर्माधर्म का ज्ञान नहीं है, वो धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म किसको कहा जाता है? धारयन्ति धर्म। धर्म के बारे में वो बोलने वाले कौन होते हैं? हमारे धर्म के विषय में, हिंदू धर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण हो जाता है क्या? या टीका लगा लेने से पंडित हो जाता है क्या? उसके लिए कर्म करना पड़ता है, वो कर्म तो करते नहीं है। अलूल जुलूल जिसको कहते हैं, उलूल जुलूल अप्पू वाला और पप्पू वाला भाषा बोलते हैं। जनेऊ क्यों पहन के घूमते हैं? तिलक लगाते हैं और अपने खानदान के आगे में पंडित शब्द को लगाते हैं। परंपराओं का देश है ये, तिलक लगाने वालों का देश है ये, पूजा पाठ धर्म संस्कृति व्रत त्योहार इनका देश है। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? केवल और केवल जनेऊ पहनकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तिलक लगाकर हिंदुत्व का प्रचार झूठी प्रकार से दिखाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश कभी स्वीकार नहीं करता, ऐसे लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण के बिना भारतवर्ष चलना मुश्किल है, इसलिए ब्राह्मण के खिलाफ जो भी बयान दे रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और ये बयान देना अशोभनीय है। क्योंकि उनके भी घर में कोई कर्म होगा जो बयान दिए हुए हैं, उनके भी घर में कोई कर्म होगा, जीना मरना सिर्फ कुछ भी होगा बिना ब्राह्मणों से नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के खिलाफ बयान देना सरासर गलत है। मैं वैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं हैरत में हूँ इस बयान को सुनकर के मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग अचानक से नफरत की बात कैसे करने लगे। ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तपस्वी ने साधना की किसके लिए? संसार के मंगल के लिए? क्या संसार में पुजारी नहीं आते? और अपने मोक्ष के लिए? तो मैं समझता हूं कि बयान कुछ भी दे मगर इस तरह का बयान मत दे जो नफरत का प्रचार प्रसार के साथ प्रसन्न चिन्ह लगा दे आपके विचार और आपके सोचने पर। तो मेरा मानना है कि किसी को भी बयान देना हो तो सोच समझ कर दिया जाए। एक तरफ जोड़ने का कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ हम पुजारियों को कहें तो क्या पुजारियों को साउथ चाइना सी में फेंकवा दीजिए ना? अगर वो माफी नहीं मांगते तो हम लोग सब तीर्थ पुरोहित मिल के प्रयागवाल सभा ये घोषित करता है कि उनका बही से ही नाम काट देंगे हम लोग। ना उनका नाम रहेगा, ना उनका तीर्थ पुरोहित कोई कर्म कराएगा। राहुल गांधी बचकानी बातें करते हैं, अभी तक तो हम लोग सुनते थे, आज इस बात का प्रमाण भी मिल गया। सनातन धर्म के बारे में उन्हें ज्ञान तो है नहीं, वो महर्षि और तपस्वी और पुजारियों में अंतर समझते हैं। अरे सब सबके कार्य अलग अलग है, आचरण अलग अलग है, सनातन धर्म के ही सब अंग है। ये देश तो पुजारियों का ही है, हमेशा पुजारी से ही तपस्वी बनते हैं और हमेशा से पुजारियों का एक अलग महत्व है।